Welcome students. For doing sums of exercise 8.4, we have to learn some identities. Let's see those identities. It is, first is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Secant square theta minus tangent square theta equals to 1. Cosecant square theta minus cotangent square theta equals to 1. तो ये थ्री आइडेंटिटीज सबसे पहले आपको लर्न होनी चाहिए. ये आइडेंटिटीज आपको उल्टी सीधी हर तरह से याद होनी चाहिए. जैसे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं, secant square theta equals to 1 plus tangent square theta. Tangent square theta equals to secant square theta minus 1. And this can be written as cosecant square theta equals to 1 plus cot square theta. And cot square theta equals to cosecant square theta minus 1. Cosecant square theta minus 1. इस तरह से आपको ये तीन आइडेंटिटीज लर्न करनी है. सबसे पहले आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी तैयार करना पड़ेगा आपको. सेकंड इज सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1, इसके ये रूप में हो सकते हैं. और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को आप इस तरह से लर्न करोगे. अब इन आइडेंटिटीज के प्रूफ देखो. आप सबसे पहले मैं इस आइडेंटिटी का प्रूफ आपको सिखा देता हूं, उसको देख के ये दो प्रूफ आप खुद ही कर सकोगे. तो आई होप ओनली वन विल डू. तो आप एक राइट ट्रायंगल ले लें. लेट मैं राइट ट्रायंगल ले लेता हूं एबीसी, जिसमें बी पर राइट ट्रायंगल है. तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर. अब हमारे को ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है. इक्वल टू के बाद आपको 1 चाहिए. इक्वल टू के बाद 1 चाहिए तो आपको एसी स्क्वायर को एसी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इससे पहले हमें ध्यान देने की बात ये है कि आप चाहो एंगल ए से काम चलाओ या सी एंगल लो. अगर आप एंगल ए लेते हैं तो ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज. अगर आप एंगल सी ले लेंगे तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपको बताइए. तो अगर इक्वल टू के बाद आपको 1 चाहिए तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एसी स्क्वायर. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एसी स्क्वायर. It will be AB square by AC square, BC square by AC square, AC square by AC square. AB by BC. AB means base, AC means edge, B by edge. So B by edge का square, B by edge होता है cos, so it will be cos square. BC by AC. BC means P. AC mean H, P upon H square. P by H is sine, P by H होता है sine. तो ये हमारा बन गया sin square A. अगर आप एंगल C लेते तो यहाँ पर cos square C, sin square C हो जाता. AC square by AC square is 1. तो ये पहली identity हमारी तैयार होगी, sin square theta plus cos square theta equal to 1. अगर इसी तरह से आप एक बार इन दोनों को AC square की बजाय AB square से divide करेंगे और एक बार अगली बार आप बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे
यहाँ हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आइडेंटिटी तैयार होगी। अगर आप इनको ए बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ए बी स्क्वायर इससे डिवाइड करोगे और बी सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बची की दो आइडेंटिटी आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये तरीका है इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका है चीजों को साइन कॉस में चेंज करना, तो वो भी हम डिस्कस पहले कर लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा ये है इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, कॉस थीटा को भी ऐसे ही रहने देंगे, टेंजेंट थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, कोटेंजेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, तो इट विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देन सेकेंड थीटा, सेकेंड आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। एंड देन कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इट विल बी 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से लर्न करना होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं चीजों को साइन कॉस में चेंज करना है। साइन थीटा इक्वल टू साइन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, cot theta equal to cos theta by sin theta, secant is reciprocal of cos, so secant theta equal to 1 upon cos theta, cosecant theta is reciprocal of sin, so cosecant theta equal to 1 upon sin theta. So let's start sum number 3. Evaluate sin square 63 plus sin square 27 degree divided by cos square 17 degree plus cos square 73 degree. इन दोनों में साइन है, एक साइन को चेंज करेंगे, मैं इस साइन को चेंज कर लूंगा, ये दोनों कॉस है तो मैं इस कॉस को चेंज कर लूंगा, इट विल बी साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, ये बन गया आपका साइन 27। अभी भी ये 27 है क्योंकि 90 में से 63 कम हो जाए तो 27 हो जाता है। नेक्स्ट इज cos स्क्वायर 17 प्लस, इसको चेंज करेंगे ये हो जाएगा cos स्क्वायर इनटू 90 माइनस 17 डिग्री, तो 90 माइनस 17 73 ही होता है। अब देखो पिछली एक्सरसाइज में हमने रूल सीखा था 7 sin 90 माइनस a इक्वल टू cos a, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। रूल क्या लगा, साइन 90 माइनस ए 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस। नीचे हो गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 17 डिग्री। रूल लगा cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। अब ये आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 63 दोनों में सेम है तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए और ये हो गया cos स्क्वायर ए, अगर हम 63 को ए माने तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1, ये बन गया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये भी 1, तो 1 upon 1 is 1, तो this is the way this part will be solved, तो 1 is the answer. तो let's do part number 2, sin 25 into cos 65 degree plus cos 25 degree into sin 65 degree. इसमें एक sin एक cos है, हम इन दोनों को sin बना लेते हैं, तो इस cos को हम चेंज करते हैं, sin में चेंज हो जाएगा, ये cos है ये sin है, इसमें साइन को चेंज कर देंगे कॉस करना है, तो एक तरफ साइन दूसरी तरफ कॉस हो जाएगा, साइन 25 डिग्री कॉस 65 को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनटू 90 माइनस 25, तो देखो 90 में से 25 जाए कॉस 65 होता है, ये कॉस 65 ही है, हमने इसका रूप बदल दिया ताकि वो आइडेंटिटी शेप में आ सके हमारा।
इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 जाते हैं तो 65 हो गए। ये साइन 65 है, ये भी साइन 65 ही है, हमने इसका रूट बदल दिया, 90 माइनस समथिंग की शेप में लिख दिया। तो ये हो गया आपका साइन 25 डिग्री, कॉस 90 माइनस ए, तो ये बन गया साइन ए, तो ये बन गया साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, ये साइन 90 माइनस ए, तो ये बन गया कॉस ए, कॉस 25 डिग्री। ब्रैकेट में आप रीजन लिख दो, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, रीजन जरूर लिख देना। साइन 25 इंटू साइन 25, दिस इज साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस 25 इंटू कॉस 25, इट इज कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो दिस इज साइन स्क्वायर है, दिस इज कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, आइडेंटिटी एप्लीकेबल इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज द वे यू विल डू पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 4, पार्ट नंबर 1 इज हियर, 4 ऑप्शंस आर गिवन, सो लेट्स सी हाउ द पार्ट कैन बी सॉल्व। 9 secant square है माइनस 9 tangent square है, तो 9 इनमें कॉमन हो गया, 9 इंटू secant square है माइनस tangent square, 9 हमने कॉमन ले लिया। टेबल कभी आपको बताए थे, अगर आपको करना है तो ये देखो आप, secant square theta माइनस tangent square theta equal to 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, आंसर आपका आ गया 9। कौन सा ऑप्शन है ये आपका, 9 इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स डू पार्ट नंबर 2। इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम इनको साइन कॉस में चेंज करते हैं, और साइन कॉस में चेंज करने के लिए आपके पास टेबल भी मैंने लिख रखा है, तो इट विल बी 1 1 1 1 1 1 लिख देते हैं। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इज साइन बाय कॉस, तो इट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, 1 mean 1 upon 1, then cot theta, cot cos by sin, and then cosecant, cosecant is 1 by sin। तो ये तरीका है चीजों को sin cos में चेंज करने का, जो भी चीजें आपको दिख रही है उनको sin cos में चेंज करो। फर्स्ट ब्रैकेट में आपको ऐसे मिलेगा cos theta, cos theta को 1 से डिवाइड किया cos theta, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, इट इज cos theta, cos तो cos से कैंसिल हो गया, 1 into sin, sin theta, cos into cos 1, 1 into 1 is 1। नेक्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम, नीचे sin, sin 1 है तो sin theta आ गया आपका एलसीएम, sin को 1 से डिवाइड किया sin, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, इट इज sin theta, साइन को साइन से डिवाइड किया 1, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा, साइन को साइन से डिवाइड किया 1, 1 इनटू 1 इज 1। अब आप देखो ऊपर एक आइडेंटिटी तैयार होगी, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आप चाहो तो इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मान लो, तो ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ये आपका हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन को ए माने तो ये हो गया आपका ए, और इसको बी मानते हैं तो ए प्लस बी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर हम ए मान ले, 1 को बी मान ले, तो ये बन गया ए प्लस बी, ये बन गया ए माइनस बी, आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर बन गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, नीचे cos theta into sin theta, it is sin theta cos theta, या you can write as cos theta sin theta also। ये बन गया whole square of a plus b, answer है a square plus b square plus 2ab, it will be cos square theta plus sin square theta plus 2 sin theta cos theta minus 1 divided by sin theta into cos theta।
अब देखो cos square theta plus sin square theta की वैल्यू होती है 1, sin square theta plus cos square theta equal to 1, इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 divided by sin theta into cos theta, इस 1 से ये 1 cancel हो जाएगा, 1 से 1 cancel कर दिया, तो 2 into sin theta cos theta divided by sin theta cos theta, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आया 2, और 2 आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, सेकंड पार्ट के लिए 2 था ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो लेट्स डू पार्ट नंबर 3, इट इज secant a plus tangent a into 1 minus sin a, ये दोनों sin cos में नहीं है, इनको sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, secant, secant को चेंज करेंगे तो it will be 1 by cos a, tangent को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sin a by cos a, अगर यहाँ theta लिखा है तो आप इधर theta लिखेंगे, a लिखा है तो a लिखेंगे, b लिखा हो तो b लिखेंगे, angle को आप चेंज नहीं करोगे, जो angle ऊपर दिए हैं वही आपको रखने रखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 1 लिख दिए, इस ब्रैकेट का एलसीएम हो गया cos a, cos by cos 1, 1 into 1 is 1, cos by cos 1, 1 into sin is sin, ऊपर एक आइडेंटिटी लगी, 1 को अगर हम a माने, sin a को b माने, तो a plus b, a minus b, आइडेंटिटी बन गई a square minus b square, तो इट विल बी 1 square minus sin a square divided by cos a into 1, that is cos a, ऊपर आइडेंटिटी बन गई आपकी 1 minus sin square a, 1 का square 1, sin a का square divided by cos a, तो 1 minus sin square a, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को अगर हम कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आया कॉस ए, और कॉस ए हम देखें ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तो कॉस ए इज ऑप्शन नंबर बी। पार्ट नंबर 4 इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, आप चाहे तो पहले इनको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, अगर साइन कॉस में चेंज करना चाहो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन आप चाहो तो सीधा आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, तो आप देखो सेकंड स्क्वायर ए माइनस का टेंजेंट उधर ले जाओ तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेकंड स्क्वायर ए, और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस cot स्क्वायर का आप लिख सकते हो cos secant स्क्वायर, अब देखो secant स्क्वायर a इज 1 by cos a, तो secant स्क्वायर a इज 1 by cos स्क्वायर a, ये बीच वाला हम थोड़ा लेंथ ही लिख देते हैं, cos secant स्क्वायर इज 1 upon sin स्क्वायर, अब इसको इससे डिवाइड करना है आपको, तो पहले लिखा 1 by cos square मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिससे डिवाइड करना वो रेसिप्रोकल हो जाएगा sin square a by 1, इट विल बी sin square a by cos square, और sin by cos आपको पता है tan होता है, इट विल बी इक्वल टू tangent square a, और tangent square a हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 5, इस समय आपको ये आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, मतलब दोनों साइड आपको इक्वल प्रूव करनी है, एक टाइम में आप एक ही साइड लें ये ध्यान रखना, तो पहले हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है cos secant थीटा माइनस cotangent थीटा एंड देयर होल स्क्वायर, इनको sin cos में चेंज करते हैं, cos secant को sin cos में चेंज करेंगे तो ये हो गया 1 by sin थीटा, cot को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos theta by sin theta, और इनका स्क्वायर
ब्रैकेट का आप एलसीएम लो, साइन और साइन का एलसीएम आया साइन थीटा, साइन को साइन से डिवाइड किया वन और वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, साइन को साइन से डिवाइड किया वन, वन को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस और इसका स्क्वायर। ऊपर वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो वन माइनस कॉस थीटा को आप दो बार लिख दें, सॉरी पावर टू लिख दें और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर का मतलब इसका आप दो बार लिखिए, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये बन गया आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर और वन को हम लिख सकते हैं वन स्क्वायर, तो ऊपर हो गया वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, नीचे हो गया आइडेंटिटी तैयार हो गई नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस करेंगे और एक बार दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों के बीच में डॉट है, इन दोनों के बीच में भी डॉट है तो ये कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया हमारा वन माइनस कॉस थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा। राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट होगा। Let's start part number 2. Left hand side को पहले लेंगे, right hand side को बाद में देखेंगे। तो left hand side, इसमें देखो आप change करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने statement लिखी, ये सब साइन कॉस में ही हैं, इसका मतलब इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इन्हें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो गया वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को वन प्लस साइन ए से डिवाइड किया तो वन प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए यह बन गया कॉस स्क्वायर। अब इसको देखिए 1 plus sin a into cos a को cos a से डिवाइड करें, बच गया 1 plus sin a, 1 plus sin a को 1 plus sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ 1 plus sin a। अब देखो सॉल्व कर देते हैं इसको, ये cos स्क्वायर है, इसको आइडेंटिटी को सॉल्व करो, ये बन गई होल स्क्वायर ऑफ a plus b, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab, तो स्क्वायर ऑफ 1 is 1 plus sin स्क्वायर है प्लस टू साइन, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया टू ए बी इंटू वन प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को इकट्ठा कर लो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को मैंने इकट्ठा कर लिया, ये कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर इकट्ठे हो गए, प्लस का वन और प्लस का टू साइन ए, ये बाद में लिख दिया, cos स्क्वायर ये आ गया, sin स्क्वायर ये आ गया, 1 ये आ गया, 2 sin ये आ गया, तो हमने सिर्फ रीअरेंज किया है, कोई और चेंजिंग नहीं करी, और नीचे था 1 plus sin into cos, sin स्क्वायर plus cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1, तो sin स्क्वायर plus cos स्क्वायर को 1 plus 1 plus 2 sin divided by 1 plus sin a into cos a। तो देखो आप 1 प्लस 1 ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए, ऊपर से अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 2 साइन ए को 2 से डिवाइड किया साइन ए, और नीचे हमारा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 के और ब्रैकेट के बीच में डॉट है और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में भी डॉट है, डॉट में मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, 2 मीन्स 2 बाई 1, 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेकेंड ए, तो ये हो गया हमारा 2 into secant a, that means 2 secant a,
और ये हमारी राइट साइड के बराबर है। तो दिस इज द वे यू विल डू पार्ट 2 एंड रेस्ट ऑफ द सम वी विल डू लेटर ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।